गुड मॉर्निंग क्लास टेंथ बी एंड टेंथ डी। आज हम लोग ओम्स लॉ हेडिंग देखेंगे। ओम्स लॉ, देखिए ओम ने ये बताया था कि अगर कोई कंडक्टर अगर है, कंडक्टर मींस जिनमें से करंट फ्लो कर सकती है, वो सभी सब्सटेंसेस जिनसे करंट पास हो सकती है वो कंडक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ओम ने कहा था कि अगर कोई कंडक्टर है और आप उसकी फिज़िकल स्टेट चेंज नहीं करते हैं, फिज़िकल स्टेट मीन्स उसको आप हीट नहीं करते हैं, उस पर प्रेशर अप्लाई नहीं करते हैं, उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, यानी ज़्यादा ऐंठते नहीं हैं, तोड़ते मरोड़ते नहीं हैं, तो जो कंडक्टर के किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमेशा करेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर किसी कंडक्टर का हम टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखें तो कंडक्टर में जो फ्लो करने वाली करंट होगी वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यही ओम्स लॉ का स्टेटमेंट भी है। तो मैं स्टेटमेंट यहाँ बोल रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ ए कंडक्टर, फिजिकल स्टेट मीन्स टेम्परेचर प्रेशर स्ट्रेन, उसको अगर मैं कॉन्स्टेंट रखूँ, उसको चेंज ना करूँ, तो किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रही होगी, करंट को आई से लिखते हैं, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल डिफरेंस के, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी के, या ये कह सकते हैं दैट इज वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और जब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं कैपिटल आर। इस कैपिटल आर को इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या सिंपली रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं, केवल रेजिस्टेंस भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, और ओम ने जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चिल्ड्रन, तो ये याद रखिए कि अगर हम आई और वी के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। और ये बोर्ड का क्वेश्चन है कि अगर आई वी ग्राफ दिया हुआ है और आपको इससे रेजिस्टेंस निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस लाइन की स्लोप देख लेते हैं कि क्या वो एंगल बना रहा है, और उसके टैन की वैल्यू निकाल देते हैं। टैन थीटा को स्लोप बोलते हैं, और रेजिस्टेंस जो होता है वो वन अपॉन स्लोप के इक्वल होता है। कब? जब आप वाई एक्सिस के अलॉन्ग आई ले रहे हो और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वी ले रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अगर सपोज कीजिए इसका उल्टा काम आप कर रहे हैं, आपने क्या किया कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस ले रखा है और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग करेंट, तो ओम्स लॉ में ग्राफ तो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। और इस केस में अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो आप सिंपली टैन थीटा की वैल्यू निकाल देंगे, जिसको स्लोप भी बोलते हैं, वो रेजिस्टेंस को बताएगा। ठीक है, और ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए सर्किट डायग्राम आपको मालूम होना चाहिए। देखिए यहाँ सर्किट डायग्राम दिखा रखा है, ये कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस हमें पता करना है। रेजिस्टेंस के पैरेलल में एक वोल्टमीटर लगा दिया है। वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। एक बैटरी लिया, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को एक एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से सीरीज में ज्वाइन कर दिया, और नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एक की लगा दिया है, और करंट को कंट्रोल करने के लिए, इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए एक रिहोस्टैट लगा दिया है। ठीक है, अब इसी से हम लोग क्या करते हैं कि रिहोस्टैट के नॉब को घुमा घुमा करके V की वैल्यू को चेंज करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करते जाते हैं, और कॉरस्पॉन्डिंगली I की एमीटर से करंट की वैल्यू नोट करते जाते हैं। अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्टमीटर से पांच वैल्यू V की नोट की है तो पांच करंट की भी नोट करते हैं। अब V1 अपॉन I1 निकालें, V2 अपॉन I2 निकालें, V3 अपॉन I3 निकालेंगे, तो इन सबका जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट आएगा। और कांस्टेंट अगर आ रहा है तो हमेशा वी और आई के बीच में आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, और वी आई ग्राफ से रेजिस्टेंस निकालना हो तो आप टैन थीटा की वैल्यू निकाल देंगे। अब बात आती है कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस को आप जरा सुनेंगे, रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक वर्ड आता है करंट के लिए, और रेजिस्टेंस का मतलब हो गया रेसिस्ट करना, अपोज करना। जब कभी भी कंडक्टर करंट के फ्लो में कोई ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करता है तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को ही हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। और डिफाइन करना हो तो इस फॉर्मूले से डिफाइन करते हैं,
द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो ओम होती है, और अगर 1 ओम को डिफाइन करना हो तो कह देते हैं इफ ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर टू फ्लो ए यूनिट करंट या 1 एम्पियर करंट, देन द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर इज कॉल्ड 1 ओम। यहाँ तक चिल्ड्रन करना है।